हेलो गाइस वेलकम बैक मैं जरी कहती हेलो गाइस ये कौन एक कह रहा यूट्यूबर देता कहंदी वेलकम बैक टू माय चैनल गजब बेइज्जती है आज इंट्रो ये दे रहा है मेरा किधर जा रहे हैं हम बता दो अब ये भी हम पार्लर नहीं हम सैलून जा रहे हैं और मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ पार्लर पता है किसने सीखा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं ऐसे बात करती जोक ऑफ द डे है ये इसकी बंदी ऐसे बात करती होगी ये वो इंडियन ड्रामे वाले इफेक्ट्स लगेंगे इधर क्या वजह ऐसे टिश 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 करके तुम्हारी शक्ल तीन दफा नजर आएगी अच्छा नहीं इसने एक चीज सही बताई क्या जाली नहीं अभी मैं जा रही हूँ सैलून भाई क्योंकि आज है मेरा फिफ्थ लेजर सेशन मेरी शक्ल के लिए ठीक है इसके रिव्यूज और बाकी ब्लॉग्स देखने हैं तो जाके देख लो मेरे चैनल पर अपलोडेड है सारा गाइडेंस तुम लोग को किधर से करा रही हूँ क्या है क्या सीन नहीं है वो सब कुछ मौजूद है और मैं पिन डाउन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में वो आप लोग जाके ब्लॉग देख लेना बाय 2000 years later वेलकम बैक टू माई चैनल यू आर वॉचिंग माहीज लाइफ आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बड़ी डिफरेंट जगह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी यहाँ पर डिप्लेक्स सैलून पर क्योंकि जी एक तो है मेरा फिफ्थ लेजर सेशन जैसे कि आप लोग मेरी सीरीज देखते जा रहे हैं पुरानी सारी अपलोडेड है मेरे चैनल पर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके साथ साथ जी मैंने आज एक्सपीरियंस करना है टर्किश हमाम तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी जल्दी से जाके चेकआउट कर लो कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ उसके क्या स्टेप्स हैं वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है अभी हम चलते हैं अपने लेजर सेशन की तरफ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर खैर यहाँ पर जी प्रोसीजर हो रहा है रेजर का क्योंकि उसके बाद मुझे अपना लेजर सेशन कराना है तो सबसे पहले जी रेजर होता है जैसे कि आप सबको पता है मेरे पुराने ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा जिसको नहीं पता कि उसको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले रेजर का प्रोसीजर किया जाता है नाउ आई हैव टू कीप क्वाइट यू नो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरा ये फिफ्थ लेजर सेशन है और फाइनली आई एम इन द रूम वो रेजर वाला पार्ट हो चुका था जैसे कि तुम लोगों को पहले देख लिया है और जी मैंने साथ लिया है टर्किश हमाम आज इसकी वीडियो देखनी है तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है तो प्रोग्रेस कुछ यूँ है मेरे लेज़र हेयर सेशंस की कि ग्रोथ अब बिल्कुल कहीं कहीं आती है यहाँ पे दो चार बाल आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे या इधर आ जाएंगे लेकिन जो पहले भरा हुआ था ना क्रेज वो ख़त्म हो चुके हैं बाल कि पहले हर जगह पे बाल आ रहे थे बरीक भी मोटे भी अब सारे एक तो बरीक आते हैं ठीक है और बिल्कुल कहीं पर एक एक दो दो करके बाल आ रहे हैं तो मतलब ये लेज़र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है और अपना बुकिंग करानी है तो जल्दी से मेरी लाइन बुक करा लो स्क्रीन पर मैंने तुम लोग को दे दिया हुआ है इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह ये है कि हेवन बाय डिप्लेक्स मिस कदफ इसको रन करती है मैं वहाँ से करवाती हूँ ठीक है एंड गेट 25% ऑफ ऑन योर लेज़र सेशन बाय माई कोड माही 10 ठीक है बाय अभी मैं तुम लोग को साथ साथ प्रोसीजर बता के और लास्ट अपने रिव्यूज़ दूँगी अभी सोच रही थी जाने का ना कि ड्राइंग करूँ अच्छा मेरे लिए आपको पता हार्ड है थोड़ा मैंने अब मैं देखे कब से मैं बिजी हूँ अच्छा 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 क्या चार्जेस चल रहे हैं ये ब्राइड के हाँ ब्राइड के 50,000 सिग्नेचर है और 30,000 ब्लूसम लेकिन आजकल ऑफ है अच्छा जा रहा है वो एक फ्रेंड की है शादी ना तो वो गई थी कि जरा पता करना मुझे ना वो हाँ जरा दिखाई ना ताकि मैं उसको ना दिखा सकूँ वो मुझे कहती है अलॉर पे जाना मैं क्यों तू खुदा का नाम ले अलॉर पे जाना है उन्होंने तुझे गंदा करके भेज देना है तो एक दो देखे एक दो सेशन से तो नहीं होता नहीं ना होता देखे ऐसे फिर ये गलत बात है मैंने उनको यही बोला पूरी दुनिया आपके सामने कितने लोग आके करवा के जा चुके हैं पता नहीं आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप वही करवा रही थी ऐसे तो नहीं आते ना लोग क्योंकि मैंने उनको ये बोला मैंने तो इवन उनको दिखाया मैंने कहा ये तो वीडियो के ऊपर 12,000 व्यूज हैं इस पे मैंने कहा पहले तो ये इवन लोगों को रिकमेंड किया कि मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं नाम सही था रिकमेंड बता दिया कर सकते क्लियर कर हेवन बाय डिप्लेक्स वो बताया क्योंकि मेरी जितनी भी लेजर सेशन वाली वीडियोस है ना उन सब पे किसी पे 10,000 है किसी पे नाम है बंदे कातिया करें ना मेरी सर्टिफाइड सरफ हुसैन के नाम पे ना मेरा यही अभी शो
सेशन मेरा हो चुका है. यू डू यू गाइस कैन लुक एट फेस कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है. बहुत यार सही वाला स्मूथ हुआ हुआ है. सिर्फ क्रेडिट आता है ये मिस सदम को जो मुझे बार बार कहती है तुम आओ लेजर सेशन कराओ और गेट द बेटर रिजल्ट्स. अब तुम लोगों को अगर मेरे पिछले व्लॉग में तुम लोगों ने देखे ना यू गाइस आर फॉलोइंग मी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम तो आप लोग देख सकते हो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे फेस में. ज़मीन आसमान का लिटरली स्किन इतनी स्मूथ और टेक्सचर इतना स्मूथ हो चुका है कि आई कांट टेल यू गाइस. अगर मेरे चैनल तुम लोगों को अच्छा लगता है यार मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो. आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो तुम लोग को बता दूंगी कि ये क्यों डेवलप होते हैं इसको वैसे नेचुरली किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं फेशियल ग्रोथ को और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं किसका कितना इफेक्ट आता है. लेकिन लेज़र के रिजल्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है जिस वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि तुम लोग को लेज़र ही करवाना चाहिए. बाहर मैंने सोचा लाइट में आके ये पहले सॉन्ग बंद करें लाइट में आके आप लोगों को दिखा दूं कि मेरा फेस यार इतना ज्यादा स्मूथ हो गया है ब्रो. यार मतलब तुम देख रहे हो यार कि ये या वाह यार मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है. लेजर सेशंस के इतने असर आ रहे हैं ना इतना मेरे फेस पे असर आ रहा है माशाल्लाह. इतनी हसीन शक्ल उफ और ये नेल पेंट यू नो उफ. खैर अब हम बात कर लेंगे रिव्यू टाइम की. देखो मैं जब से लेजर सेशंस करवा रही हूँ सेशन लाइ मेरे से बोला नहीं जाता मुंह टूट जाता बात करते हुए यार. अच्छा जब से मैं लेजर सेशंस करवा रही हूँ मुझे वाकई बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए. मैं थोड़ा सा डिले करके जाती हूँ जिस वजह से प्रॉब्लम आता है. जब आपको टाइम दे दिया जाए कि आपने इस टाइम पे लेजर सेशन नेक्स्ट करवाना है आप उसी टाइम पे जाएं चाहे वो आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है या एक महीने का वो आपकी ग्रोथ पे और आपकी स्किन पे डिपेंड करता है. वो डेफिनेटली वो असेस करके बता देंगी या डॉक्टर असेस करके बता देगा तो ये डिले नहीं करना मेरी तरह. आपको इससे मजीद अच्छे और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप मेरी तरह हरकतें नहीं करेंगे डिले नहीं करेंगे. खैर आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं ठीक है. इसके ये जो मसले मसाले होते हैं हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग. और ये मेरा छोटा भाई शायद कपड़े शपड़े ले रहा है.